अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम डेट और टाइम से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि मैं लेक्चर्स को काफ़ी अरसे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह मेरी अपनी कुछ मसरूफियात थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और बिना टाइम को ज़ाया किए अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा फेसबुक का पेज, गूगल प्लस, ट्विटर और यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो हमें इनके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये फ़ाइल जनरेट करके रखी हुई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है उर्दू आईटी पॉइंट स्टार्ट। उर्दू आईटी पॉइंट हमने स्टार्ट कब की थी? सही है, 7 सितंबर को मैंने इसका स्टार्ट लिया था और 7 सितंबर को ही मैंने अपना फेसबुक का पेज बनाया था। इसकी बुनियाद तो मैंने पहले ही रख दी थी, पहले ही मुझे सोच लिया था मैंने कि मैंने क्या करना है, लेकिन प्रॉपरली मैंने जो इसको स्टार्ट लिया वो 7 सितंबर को लिया। ठीक है, और आज की डेट हमारे पास यहाँ पे आ रही है 20 अगस्त 2013। तो अब मुझे देखना है कि मुझे कितने दिन हो गए हैं उर्दू आईटी पॉइंट को स्टार्ट किए हुए। तो मैं कैसे देखूँगा, मेरे पास स्टार्टिंग डेट भी आ रही है और आज की डेट भी आ रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इज़ इक्वल का निशान लगाऊँगा। मैंने कहा इज़ इक्वल का निशान, यहाँ पे जो आज की डेट है उसको मैंने क्लिक किया, फिर मैंने कहा माइनस, और उसके बाद जो डेट मैंने स्टार्टिंग ली थी और इंटर कर दिया। तो देखिए, इसने मुझे बता दिया 347 डेज हो गए हैं उर्दू आईटी पॉइंट को स्टार्ट हुए हुए। ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने एक कार ख़रीदी, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक कार ख़रीदी, कब ख़रीदी, 20 अगस्त 2013 को ख़रीदी, और उसकी मुझे लाइफ बताई गई कि ये 3650 दिन इसकी लाइफ है। सही है, एक एवरेज चलेगी तो ये इतने दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी लाइफ इतनी है। तो अब मुझे यहाँ पे डेट देखनी है, सही है, कि कौन से सन के अंदर ये मुझे कार, अपनी जो कार है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फार्मूला वही सिंपल सही है, यहाँ पे मैंने कहा इज़ इक्वल का निशान, इज़ इक्वल हो गया, उसके बाद मैंने ये सेल हो गया, सही है, जब मैंने कार ख़रीदी वो प्लस, और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि उसकी लाइफ कितनी है, उसको जमा कर दिया। जैसे ही जमा किया तो इसने मुझे बताया 18 अगस्त 2023 को मुझे कार को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिंपल सा है। अब देखें, आज की डेट है 20 अगस्त 2013 और मुझे मालूम करना है कि मैंने उर्दू आईटी पॉइंट कब स्टार्ट की थी। मुझे मालूम है कि 347 दिन ये जो आ रहे हैं, 347 डेज़ पहले मैंने उर्दू आईटी पॉइंट को स्टार्ट किया था, तो मुझे उसकी करंट मतलब डेट मालूम करनी है कि उस वक्त एग्जैक्ट डेट क्या थी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज़ इक्वल का निशान, उसके बाद मैंने डेट को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कहा माइनस 347, या आप मैन्युअली टाइप कर लें या सेल का एड्रेस को क्लिक कर लें, और मैंने यहाँ पे इंटर किया। तो देखिए, इसने मुझे बता दिया कि 7 सितंबर 2012, ठीक है, 7 सितंबर 2012 को मैंने क्या की थी, उर्दू आईटी पॉइंट को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टुडे का फंक्शन, देखिए यहाँ पे जो मैंने डेट डाली है, टुडे डेट या बाय कार या यहाँ पे जो टुडे डेट है, ये मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ था कि जब भी मैं इस फाइल को खोलूँगा तो जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला है, ये देखें
मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। इज इक्वल का निशान सिंपल आपने कहा टुडे और इंटर कर दिया, ठीक हो गया। तो देखिए इसने आपको आज की डेट बता दी। देखिए यहाँ पे आ रहा है 8 अगस्त हो गई, ठीक है, 20 तारीख हो गई और 2013 हो गई, ठीक है। आप यहाँ से राइट क्लिक करें फॉर्मेट सेल और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं डेट के अंदर से। तो देखें आपको अब नज़र आ रही है आज की डेट। अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम इस फाइल को जब भी मैं ओपन करूँगा तो जो भी उस वक्त डेट होगी, कल ओपन करता हूँ तो इसमें 21 अगस्त आ जाएगी, परसों ओपन करता हूँ 22 आ जाएगी, जब भी ओपन करूँगा इस फाइल को तो इसके अंदर करंट डेट आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर टुडे का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से नाउ का फंक्शन है, नाउ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मैंने इज इक्वल का निशान नाउ और सेम उसी तरीके से इंटर कर दिया, थोड़ा सा बस दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको जैसे ही फार्मूला इंटर करता हूँ फिर समझाता हूँ मैंने इंटर किया। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 20 अगस्त 2013 और साथ में आ रहा है 053। इसका मतलब ये है कि 12:53 हो रहे हैं रात के, ठीक है। तो टुडे का फंक्शन जो है वो हमें सिर्फ डेट देता है, जबकि नाउ का फंक्शन हमें डेट के साथ करंट टाइम भी बताता है। जब भी इसको नेक्स्ट टाइम खोलेंगे सेम वही रूल है जो टुडे वाले का है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक बंदा होटल में आया, ठीक है, उसने चेक इन किया सुबह 11 बजे और रात को उसने चेकआउट कर लिया 8 बजे, ठीक है। सिंपल सा अगर आप 11 से 8 बजे देखेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि 9 घंटे हुए हैं, लेकिन सम टाइम पे कुछ टेक्निकल्स टाइम्स होते हैं, जैसे कि 11:03 हो गया या आपने 11:15 हो गया या इस तरह का जो भी टाइम होता है। तो आपको एक और रेट देखना है कि इस बंदे ने कितने घंटे स्टे किया, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल का निशान, उसके बाद सही है चेक आउट टाइम को मैं माइनस कर दूंगा चेक इन टाइम में से, ठीक हो गया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए इससे घंटे तो सही बताए 9, सही है कि मतलब 9 घंटे इस बंदे ने स्टे किया, लेकिन साथ में ये दिखा रहा है AM। अब हमें ये AM नहीं चाहिए था, तो फिर देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाके इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल और यहाँ से ये देखें आ रहा है 13:30, सही है 13:30, इसको ले लिया और ओके कर दिया। तो देखें अब सिंपल हमें ये बता रहा है कि 9:00:00। अब हम यहाँ पे टाइम चेंज करते जाएं कोई बात नहीं, सही है, मैं यहाँ पे देखें चेंज कर रहा हूँ तो इसने हमें बता दिया कि ये यहाँ पे 10 घंटे रुका है, ठीक हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। अब देखें यहाँ पे आ रहा है कि 6:03, मतलब इसका ये है कि जून 3 को एक बंदे ने सुबह 11 बजे चेक इन किया और जून 9 को 3 बजे उसने चेकआउट कर लिया। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले वही इज इक्वल का निशान आएगा, उसके बाद क्या है सेम इसी तरीके से आपने ये माइनस कर दिया और मैंने इंटर किया। तो देखें ये मुझे बता रहा है 6:01, सही है कि तकरीबन 6 घंटे, और ये तो ये हमें गलत बता रहा है, सही है, क्योंकि इस पे फॉर्मेटिंग नहीं लगाई हुई हमने, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से। राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल और यहाँ से हम आएंगे टाइम के ऊपर और ये देखें हमने ये वाला ले लिया 37:30, ठीक है, कि मतलब कि अगर 30 घंटे या 37 घंटों से भी ऊपर का कोई टाइम हो तो उसको भी कैलकुलेट करें। तो यहाँ से मैंने कहा ओके। तो अब देखिए इसने मुझे कैलकुलेट करके बताया 148:00:00 इस बंदे ने इस होटल के अंदर स्टे किया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम एक और फंक्शन जिसका नाम है वीक डे, ठीक है। तो इस ये फंक्शन करता क्या है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं ना।
देखें, अब हमारे पास ये है 5 फरवरी, सही है। अब मुझे मालूम करना है कि 5 फरवरी को हफ्ता था, इतवार था या पीर था या जो भी था, वो मुझे मालूम करना है कि क्या था। तो वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे? सिंपल सा फार्मूला है, आपने लगाया इज़ इक्वल का निशान और यहाँ से आपने कहा वीक डे, सही है। और देन आपने क्या किया, यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लिया और फिर आपने यहाँ से किया इंटर, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये हमें बता रहा है 3। अगर मैं यहाँ से कैलेंडर को खोलूँ, सही है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आना चाहिए ट्यूसडे, ठीक है। और 7 पे आना चाहिए आई थिंक के सैटरडे, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से करेंगे फॉर्मेट सेल और फिर यहाँ से आएंगे कस्टम, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ पे कौन सा दिन पड़े, हफ्ता आएगा, इतवार आएगा या पीर आएगा, सही है। 5 तारीख को हफ्ता था, इतवार था, ये क्या था, 9 मार्च को क्या था, 7 अप्रैल को कौन सा दिन था, 2 मई को कौन सा दिन था और 3 जून को कौन सा दिन था, या 7 जुलाई को या 9 अगस्त को कौन सा दिन था। मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, राइट क्लिक, बल्कि मैं ये सारे के सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि तमाम के तमाम के ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। मैंने कहा राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और सबसे नीचे आया कस्टम पे, और फिर मैंने यहाँ से जनरल को मिटाया और मैंने यहाँ पे टाइप किया डी, अगेन डी, अगेन डी, सही है। तो देखिए इसने मुझे 3 वर्ड दे दिए चूज़। अगर मुझे पूरा चाहिए तो मैं एक और दफ़ा क्लिक करूँगा, तो देखिए 4 टाइम मैंने डी को प्रेस किया और देन मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें इसने मुझे दिखा दिया 5 फरवरी को ट्यूसडे था, 9 मार्च को सैटरडे था, इसी तरीके से इसने सबका मुझे बता दिया कि किस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, सही है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि वर्किंग डे, ठीक है, टोटल वर्किंग डे कितने हैं हमारे पास, ठीक है। ये स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है कि हमने देखना है कि टोटल कितने दिन वर्क किया गया। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको इसको एक फार्मूले के तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा इज इक्वल का निशान ये सेल माइनस, ऑलरेडी मैंने इस पे फार्मूला यही लगाया हुआ था, ठीक है, और मैंने यहाँ से किया इंटर, सही है। और सॉरी मैंने उल्टा कर दिया इसको, इज इक्वल का निशान ये सेल माइनस ये सेल, ठीक है। तो इसने बताया कि टोटल वर्किंग डेज जो थे वो हमारे पास क्या थे, 28 थे, सही है। लेकिन अगर गौर किया जाए 10 जुलाई से लेके 7 अगस्त के बीच में टोटल वर्किंग डे 28 नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि बीच में कुछ संडे भी होंगे, ठीक है, जिनको छुट्टी होती है। तो अब हमें एक्यूरेट कैलकुलेट करना है संडे को निकाल के, सही है, कि टोटल वर्किंग डे कितने थे। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं नेटवर्क डे, सही है। मैंने कहा इज इक्वल, ऑलरेडी मैं इस पे यही फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको दोबारा लगा के देता हूँ। इज इक्वल का निशान, मैंने कहा नेटवर्क डे, सही है, नेटवर्क डेज। और इसने कहा यहाँ पे बताना है स्टार्ट डेट, फिर कॉमा, फिर एंड डेट। मैंने कहा कॉमा एंड डेट, सही है, ये स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है। मैंने इसको इंटर किया तो इसने मुझे बताया 21। एक्चुअली ये भी बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं है, ठीक है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से बाज़ जगह पे हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, बाज़ जगह पे नहीं होती, और बाज़ जगह पे कुछ टाइम पे क्या होते हैं, कुछ हॉलीडेज़ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके हमें दिया है कि 21 दिन जो हैं वो वर्किंग डे बनते हैं, ठीक है। तो तीनों मैंने डेट सेम ही रखी थी ताकि मैं तीनों का आपको डिफरेंस बता सकूं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से सिर्फ संडे को लेस करना है और देखना है एक्चुअल वर्किंग डेज कितने आते हैं।
तो फार्मूला वही है, नेटवर्क डेज ही है, लेकिन अब नेटवर्क डेज इंटरनेशनल वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सबसे पहले इज़ इक्वल का निशान लगाता हूँ, इज़ इक्वल का निशान, मैंने कहा नेटवर्क डेज, और ये देखें नेटवर्क डेज इंटरनेशनल सेम, मैंने कहा स्टार्ट डेट कॉमा, फिर मैंने कहा एंड डेट, फिर मैंने कहा कॉमा। अब देखें यहाँ पे हफ्ता इतवार आपके पास छुट्टी है, तो यहाँ पे वन को सेलेक्ट करेंगे, संडे मंडे छुट्टी है, तो इसमें से जिस दिन भी आपके यहाँ छुट्टी है, एक दिन है या दो दिन है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, तो हम यहाँ से संडे को क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक कर दें, या वहाँ पे मैन्युअली इसके शुरू में 11 लिखा हुआ था, अगर मैं इसको मिटा के आपको दोबारा दिखाऊं तो ये नंबर है, ठीक है, 11 आप टाइप कर देंगे तो संडे ओनली हो जाएगा, 12 टाइप करेंगे तो मंडे ओनली हो जाएगा, ये मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, संडे ओनली, तो मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया और देन इंटर कर दिया, तो इसने हमें बताया 25 जो है वो वर्किंग डेज हैं, सही है। तो ये हमारे पास एक्चुअल वर्किंग डे हैं, ठीक है, जिसमें संडे इंक्लूड नहीं है, संडे को हमने इसमें से लेस कर दिया है, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी मेरे पास सेम फार्मूला है, सही है, जैसे ओपन नेटवर्क डे था, ये हमारे पास वर्क डे है। इसमें भी देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्लस की हुई है डेट, सही है, इज़ इक्वल का निशान, ये सेल प्लस ये सेल, एक प्रोजेक्ट है जो इस तारीख को स्टार्ट हो रहा है और इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने यहाँ से इंटर कर दिया, तो इसने मुझे बताया कि 25 दिन के बाद 4 अगस्त है, 4 अगस्त को ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर वाले का, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इज़ इक्वल का निशान, मैंने कहा वर्क डे, सही है, और मैंने सॉरी स्टार्ट डेट कॉमा, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 25 डेज का सेल का जो एड्रेस था वो मैंने बता दिया एंटर, तो इसने मुझे बताया 14 अगस्त को ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इन्होंने अपने हिसाब से हफ्ता इतवार, ये जो भी इनका रूल है, सही है, बाहर वालों का जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो उस लिहाज से इन्होंने इसको एडजस्ट किया हुआ, तो ये भी हमारे पास एक्चुअल डेट नहीं है। तो सेम फार्मूला जैसे हमने नेटवर्क डे इंटरनेशनल यूज़ किया था, हम नीचे यह क्या यूज़ करेंगे, वर्क डे इंटरनेशनल इज़ इक्वल का निशान, मैंने कहा वर्क डे इंटरनेशनल, सही है, ब्रैकेट स्टार्ट की है, स्टार्ट डेट कॉमा, और यहाँ पे मैंने डेज बताया, फिर मैंने कहा कॉमा, सेम सारी वही चीज़ें हैं, सही है, जो जो छुट्टियों के दिन हैं आप वो लगा दें इसमें, मैंने कहा सिर्फ संडे की छुट्टी है, सही है, संडे को हम लोग वर्क नहीं करेंगे, वही सेम चीज़ है, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को बंद किया, तो ये अब बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 8 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसमें हमने संडे को निकाल दिया और हमें एक प्रोजेक्ट का टाइम मालूम हो गया, मतलब किस डेट को ये काम हो जाएगा, सही है, 25 दिन बाद, जिसमें संडे इंक्लूड नहीं है, 8 अगस्त एक्यूरेट डेट है जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, हमारे पास ये है, ये हमारे पास हायर डेट है, ये टर्मिनेशन डेट है, यहाँ पे हमें मालूम करना है कि इस बंदे ने कितने साल या कितने महीने या कितने दिन हमारे पास जॉब की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है डेट डिफ, अगर आप फार्मूलाज में जाएंगे, डेट में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला नहीं मिलेगा, वैसे आप सर्च करेंगे इस फार्मूले को तो ये फार्मूला आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करूँ, सही है, मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे ये फार्मूला नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं जो एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो वर्क करता है, जो आपको सिर्फ इसकी लिस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, फार्मूले का नाम है डेट डिफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा इज़ इक्वल का निशान, मैंने कहा डेट DIF, ब्रैकेट स्टार्ट की, हाई डेट
कॉमा टर्मिनेशन डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा वाई, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और इंटर कर दिया, तो इसने बता दिया कि 8 साल। अगर मैं इसको चेंज करूं और यहां से मैं इसको कर दूं एम, सही है, तो ये मंथ बता देगा 101 मंथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डी कर दूं तो ये हमें डे बता देगा कि 3099 दिन इस बंदे ने हमारे पास काम किया है। बराबर में मैंने ये वाई एम डी लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि देखें इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इस सेल का एड्रेस बनता है हमारे पास I26, ठीक है। इंटर कर दिया, सेम यही फार्मूला नीचे कॉपी किया, तो ये देखिए यहाँ पे मंथ आ गया और यहाँ पे डेज आ गया, सही है। इस बंदे ने हमारे पास इतने साल काम किया, इस बंदे ने हमारे पास इतने महीने काम किया, इस बंदे ने हमारे पास इतने दिन काम किया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि ये इस शख्स की, अगर ये शख्स हमारे पास आज तक काम कर रहा होता तो टोटल कितने दिन इसके काम के बनते, तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल का निशान और उसके बाद वही फार्मूला, डेट डेफ ब्रैकेट स्टार्ट हायर डेट, फिर कहा कॉमा, फिर मैंने कहा टुडे, मैंने टुडे का फंक्शन यूज़ कर लिया आज की डेट का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने जो भी आपका है, ईयर मालूम करने हैं तो वाई, मंथ मालूम करने हैं तो एम, डे मालूम करने हैं तो डी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, डे मालूम करने थे तो मैंने ब्रैकेट पे डी लिखा और इंटर किया, तो यहाँ पे आ रहा है 3238, 3238 दिन बनते हैं इसके अगर ये शख्स हमारे पास आज तक काम कर रहा होता, ठीक है। तो ये कुछ डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन थे, सही है। ऑफिसेज में अक्सर ये काम आते हैं, खसूसन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं या जो ऑफिस में अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करते हैं या कोई प्रोजेक्ट की डेट टाइम को मेंटेन करते हैं, उनके लिए ये बहुत काम के फंक्शंस हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।